नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है और नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस सावन के महीने में मिठाई होती है घेवर, जो कि बहुत ही चलता है और बहुत ही सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए, आज मैं आपको बिना मोल्ड के बहुत ही आसान सी घेवर बनाने की घर में रेसिपी बताने वाली हूँ। सारे स्टेप भी बताऊंगी मैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं घेवर बनाना। रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध ले लिया है। अब पहले मैं दूध में उबाल आने दूंगी। देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ही अवेलेबल था, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ इसे गाढ़ा करने के लिए 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है। मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। बस अब आप इसे करीब 1/3 होने तक पकने दें पहले। देखिए दोस्तों, हमारा दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप चीनी। ये करीब 65 ग्राम चीनी है और ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें इसे दोस्तों बिल्कुल खोए की फॉर्म तक नहीं पकाना है। हमें मतलब ऐसी रबड़ी रखनी है कि ना तो वो टपके जब हम उसे अपने घेवर पे लगाएं और ना वो बिल्कुल सूखी सूखी हो। मतलब जैसे लिक्विडी सी फॉर्म में खोया होता है, बस बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में हमें इस रबड़ी को रखना है। पर हमें थोड़ा सा और पका लेना है अभी इसे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। बस अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी होगी। बस हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बनाते हैं घेवर के लिए बैटर। इसके लिए मैंने ये 1 छोटा कप मैदा लिया है। ये वजन में करीब 100 ग्राम है। और आज मैं दोस्तों आपको घेवर मिक्सर में बताऊंगी, क्योंकि मिक्सी में आपका बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा बैटर तैयार होगा। आप चाहें तो इसे नॉर्मल किसी बड़े बर्तन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगी, उससे बहुत ही जल्दी और बहुत कम मेहनत के साथ आप इस बैटर को तैयार कर सकेंगे। तो आप बस पूरे स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, आप उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी। ये मेजरमेंट दोस्तों मैं आपको 100 ग्राम मैदे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखिए, एक। और अब ये थोड़ा सेमी सेट घी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4-5 क्यूब आइस के और इसे एक बार मैं अच्छे से चर्न कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे चर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा घी एकदम हार्ड फॉर्म में हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दूध। 1/2 कप दूध है ये, मतलब जितना मैदा था उससे आधा दूध है। और अब इन दोनों को मिलाकर चर्न कर लूंगी मैं। देखिए, मैंने इसे चर्न कर लिया है और अब ये जो हमारा घी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बटर मिल्क पर मक्खन आ जाता है। बिल्कुल उसी फॉर्म में ये हो गया है। बस अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालूंगी। एक साथ सारा मैदा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसको चर्न कर लूंगी। देखिए, इसमें से करीब थोड़ा थोड़ा मैदा मैं डाल रही हूँ। पहले 2 स्पून डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी डालती हूँ और इसको चर्न कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसे एक बार चर्न कर लिया है, थोड़ा थोड़ा घुलने भी लगा है। अब फिर से थोड़ा मैदा डालती हूँ और थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। देखिए, ये धीरे धीरे हमारा स्मूथ जैसा बैटर बनता चला जाएगा। अब बाकी बचा मैदा भी डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूथ टेक्सचर इसका आता जा रहा है। हमने पूरा मैदा डाल दिया है। अब मैं डालूंगी एक इसमें खास चीज। मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच बेसन, जिसे सभी हलवाई डालते हैं लेकिन बताते नहीं है इस ट्रिक को। इससे बहुत ही अच्छा घेवर हमारा एकदम जालीदार बनता है। बस 1 ही चम्मच आपको डालना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। थोड़ा सा पानी और डालें और फिर से इसको चर्न कर लें। और इस स्टेज पर ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 नींबू का रस से अच्छे और इसे अच्छे से चर्न कर लूंगी। देखिए, ये हमारा बैटर एकदम बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर इसका हो चुका है। बस अब इसे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लें। मैं इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। इसे मैंने बाउल को फ्रीजर में रख दिया था जिससे ये चिल्ड रहे, क्योंकि हमें इस बैटर को बिल्कुल चिल्ड रखना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है। देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि दोस्तों बिल्कुल रनी वाटर जैसी कंसिस्टेंसी होती है। अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा पानी और मिक्स कर सकते हैं। बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने घेवर को।
देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और मिला लिया है, बस बिल्कुल ऐसी पतली कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है और इस बैटर को हमें बिल्कुल चिल्ड रखना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है सेकने में, तो आप इसे किसी बर्फ डालकर एक बर्तन में उसमें भी बाउल को रख सकते हैं, लेकिन इस मिक्सचर को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना। घेवर बनाने के लिए दोस्तों मैं इस टाइप का एक ऊंचा भगोना ले लूंगी और इसमें घी ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं पहले गर्म होने के लिए रख दूंगी। देखिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और हमें इसे हाई फ्लेम पर पहले अच्छे से गर्म होने देना है। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें धीरे धीरे कोई भी एक चमचा या कोई भी ऐसा बर्तन ले लेना है मेजरमेंट के लिए और इस पर अच्छे इस पर थोड़ा थोड़ा करते हुए बैटर को ये थोड़ा सा उछलता है, आपको इसे ध्यान से करना है। जब पहले थोड़ा सेटल हो जाए फिर आपको अगला इस बैटर को डालने के बाद आप इसे पहले थोड़ा सिकने दें, ये अपने आप ही थोड़ा सेटल हो जाए, तब आप बाद में और डालें इसमें। और अब जैसे ये थोड़ा सेटल हो गया है किसी लकड़ी की सहायता से आप थोड़ा सा बीच में जगह कर लें एक होल जैसा और बस अपने बैटर को धीरे धीरे इस होल में डालते जाएं। और सिकने दें इसे। इस तरह से करके आप करीब 7-8 चमचे बैटर इस बर्तन में डाल लें। और एक चाकू की सहायता से आप किनारे से थोड़ा सा छुड़ा लेंगे। देखिए हमारे घेवर ने पूरी तरह किनारों को छोड़ दिया है और ये लगभग सिककर तैयार है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा घेवर हमारा सिका है। बस इस तरीके से आप अपने सारे घेवर को बना लें। मैं आपको एक और डालकर बताती हूँ, आप हो सके तो बैटर ऊपर से ही डालें। इसमें बीच में होल करने की जल्दबाजी आप ना करें, पहले इसे थोड़ा सेटल होने दें, फिर आप किसी एक स्टिक की सहायता से इसमें बीच में थोड़ा होल करके जगह बना लें और फिर बाकी का बैटर उससे ही डालते जाएं। एक घेवर को बनाने में करीब 7 से 8 चमचे बैटर आप इसमें डालें। अब मैं इसमें थोड़ी सी बीच में जगह कर लेती हूँ। और इस छेद में अब आप बाकी के बैटर को डाल दें। देखिए दोस्तों इस बैटर से हमारे करीब 3 पीस बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। अभी हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। मैंने इन्हें चाशनी डालने के लिए एक के ऊपर एक रख लिया है, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक छोटा भगोना गैस पर रख लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी, ये करीब 150 ग्राम है, और इसमें 1/2 कप मैं पानी डालूंगी और हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। देखिए मैं इसमें 1/2 कप से भी बल्कि थोड़ा कम ही पानी डाल रही हूँ। बस इसे पहले चीनी को पूरी तरह घुलने दें। देखिए हमारी चीनी घुलने लगी है, बस अब आप इसको करीब 5-6 मिनट पकाइए जब तक इसमें 1 तार ना बन जाए। अभी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 2 कुटी हुई इलायचियाँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी चाशनी में आ जाता है। देखिए हमारी चाशनी को पकते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें 1 तार बन चुका है, बस इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दें। अब इस चाशनी को आप थोड़ा थोड़ा करके घेवर के ऊपर ऐसे डाल लें, जितना मीठा भी आप पसंद करते हैं। ये इस तरह जाली के ऊपर रखने से क्या होगा कि जितनी ज़रूरत है उतनी चाशनी इसमें रहेगी और बाकी छनकर नीचे निकल जाएगी। इस तरीके से आप अपने सारे घेवर को पांग लें और इसे करीब 3-4 मिनट छोड़ दें, फिर हम इस पर अपनी रबड़ी लगाएंगे। देखिए हमने इसे 3-4 मिनट चाशनी में रख लिया था, अब हम इस पर लगा देते हैं रबड़ी। देखिए इस कंसिस्टेंसी की रबड़ी हमें इसके लिए चाहिए, ये ना तो बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली है कि ये इस पे से बहने लगेगी। बस अब इस पर आप आराम से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लगा लें। रबड़ी को इस पर लगा लिया है, अब हम इस पे पसंद के अकॉर्डिंग थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये टेस्टी घेवर बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए इन सावन के महीने में ये शानदार घेवर। धन्यवाद।